एक मिनट मैं कुछ गल करेंगे ठहर जाओ। हाँ जी जी, कोई इंतजाम नहीं है सफाई का। ये जो गवर्नमेंट आई है ये गवर्नमेंट फेल हो गई है। पिछली गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। ये तब्दीली आ गई है, ना गैस है। वोट आपने किसको दिया इस दफा? जी मैंने शेर को दिया। फिर तो आप कहेंगे फेल हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दौर में मियाँ साहब के दौर में ये चीजें नहीं थी। मियाँ दौर के अगर हम कहते ये इसी तरह कूड़ा लगता था तब भी हर दफा हम गुजरे हैं। क्या फर्क था जी? नहीं जी नहीं, नहीं सर। क्या फर्क था? ये सफाई थी। क्या ये सफाई कूड़ा नहीं था? कंटेनर इस तरह नहीं पड़ा था? कंटेनर पड़ा, बाहर नहीं गिरा होता था यार? हजार दफा आप रिपोर्ट किया इधर खड़े होकर बताएं जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, सफाई वैसे नहीं है। वो शरीफ से तर्जमान देख के आप सारा कुछ उन पे डालते जा रहे सर। इतना नहीं था कि दो बाल्टियां घट सी। हाँ ठीक कह रहे हैं सड़क थी। हाँ जी दो तीन बाल्टियां घट सी। बिल्कुल देखिए जी, मकसद ये कहने के कि सफाई नहीं हो रही। आज अलीम खान भी मान चुके हैं तो बोर्ड को हमने पीटीआई को दिया है ना। आपने पीटीआई को दिया? हाँ जी, पीटीआई को बोर्ड किस लिए दिया? इसीलिए दिया है ना कि चेंजिंग आएगी, यंग लोग क्या करते हैं, इसीलिए। अलीम खान साहब को आप नौजवान नहीं समझते? माशाल्लाह वो तो शुरू से नौजवान नजर आते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, माशाल्लाह नौजवान है माशाल्लाह अलीम खान साहब। ना ही पानी है, ना ही बिजली है सर। चले तब्दीली, नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोई इसरा छोटा बोर्ड भी हमने उसको डाला पीटीआई को, बड़ा भी कि जी चले तब्दीली आनी चाहिए। तो ये तब्दीली, हाँ जी ये तब्दीली हो तो रही है, आ तो गई है तब्दीली। हाँ जी ये सफाई हो रही है सर, बिल्कुल बेशक बेशक। ना गैस है ना पानी है, ठीक है, ये तब्दीली है। बिजली है पाकिस्तान जी, इसको नया पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान है बेशक सर। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुल्क के मुफाद के लिए काम किया है, ठीक है ना। लेकिन इनको सोचना चाहिए, इनको बारी दे दी है, इनकी बारी आ गई है, इनको सिलेक्ट कर दिया। ये कचरा जो पड़ा है ना चौक के अंदर, ये आप लोगों ने फेंका। अच्छा चले, आप लोगों ने एक घर के आगे पड़ा है, एक चौक पे, एक घरों में वो टाइम पे ले जाते हैं कूड़ा के। सर घरों में पैसे लेते हैं, वो पैसे देते हैं जी, पैसे उनको देते हैं। 200 रुपए उनको आप कम से कम 50 रुपए देंगे तो वो दो दिन बाद आगे कूड़ा उठाएंगे। 100-200 पैसे लेना एसओपी है जी उनकी। देखिए जी, मेरे घर में भी कूड़ा उठाने वाला आता है और उसको मैं महीने का 100 रुपया लाजमी देता हूँ। ये दो दिनों बाद 50 रुपए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है महीने का। महीने का सर मैं कह रहा हूँ, जो महीने में 50 रुपए लेते हैं ना कूड़ा, दो दिन बाद उठाते हैं वो। हाँ जी वो जिस जितने पैसे दिए कह रहे हैं महीने में कूड़ा ही दो दिन उठाते हैं। नहीं 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 नहीं, यानी कि आज कूड़ा उठा लिया तो दो दिन बाद आना कूड़ा उठाने, तो दो दिन वो घर में कचरा पड़ा रहता है। यहाँ तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, तो कहीं जाहिर सी बात है चौंक। सारी चीजें आपकी नजर से गुजरती होंगी, डेली कंप्लेंट्स भी आपको मौसूल होती होंगी, इस पे सारा बारी बारी आपने सारी बातें सुन ली, क्या आपके जवाब है इस पे? बिल्कुल, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप एक घर में सफाई उसी सूरत में मेंटेन रहती है जब तक घर के जो सारे रहने वाले हैं ना उसको साफ सुथरा रखें। अब मैं आपको कई ऐसी यहाँ पे मिसालें दे सकता हूँ कि इन्होंने गंद बाहर फेंका हुआ है, ये अब इन्होंने ही फेंका है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आइए जो बाहर फेंका है, आइए मैं दिखाता हूँ। देखें ये सारे, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपनी इनके फ्राइज भी हैं। बिल्कुल, उसके बगैर वो फ्राइज ये देख सकते, ये आप देख सकते हैं, ये फ्राइज है अपने, ये देखे कूड़ा इन्होंने साइड पे लगा दिया। बिल्कुल, अब ये ठीक है ना, मैं बिल्कुल फ्राइज इन्होंने साइड पे लगा दिया, इसको ये शॉपर में भी डाल सकते थे। और वो बिन जो एक डस्टबिन कोई इतनी महंगी नहीं होती, 100-150 रुपए की बिन हर बंदा जो है अफोर्ड कर सकता है, उस बिन में डाले ताकि हमारा वर्कर भी जब आए उसको इजिली उठा के ले जाए। अच्छा, लाहौर के काम में आसानी पैदा करें। लाहौर की किस्मत में अब लिखा जा चुका है कि शिफ्टें दो होंगी, नंबर वन। ये शुरू से दो शिफ्ट और ये दो ही रहेंगी, शुरू से दो, तब्दीली के बाद भी दो ही रहेंगी, और ये पूरी रात मोहल्ले वाले जब तक उस बो के भोकों से कॉन्ट्रैक्ट जो है पिछली दौरे मुनव्वर ना कर ले, अपने मौतर ना कर ले जहन को, तब तक वो कूड़ा नहीं उठाया जाएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। यही कह रहा हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कई लकूनाज हैं जो कि पिछली दौरे हुकूमत में हुए, वो आप लकूनाज दूर करेंगे जी। अलीम खान साहब ने उस पे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट भाईजान वो कंपनी काम ही नहीं कर रही, कहती हमारा मोरल ही डाउन है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की, कंपनी ने आज उनको यकीन दहानी कराई है दोनों कंपनियों ने जी, कि हम अपना जो है वो इजाफा करेंगे कंटेनर्स में भी, और हम मशीनरी को भी जो है अपना फील्ड में लाएंगे, रिपेयर करेंगे, और अगर नहीं भी लानी पड़ी लाएंगे, क्योंकि उन्हें कहा गया जी कि हमने आगे भी ओपन और ट्रांसपेरेंट बिडिंग करनी है, और उसके लिए कोई भी जो है अपना आएगा शफाफ। वो तो ठीक है, कानून के मुताबिक आप ओपन बिडिंग करें लाजमी, वो तो बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल इसी तरह वो तो बड़ी जरूरी चीज है। अब मुझे ये बताइए कि लाहौर का इस वक्त भी आप मॉर्निंग में भी विजिट करें, जब भी करें, ऐसा कोई जगह नहीं बचती जहां कूड़ा आपको नजर ना आए। क्या वजह? कह रहा हूं कि आप मेरे साथ एक पूरा दिन मेरे साथ चलें, आपको मैं आज रात हार जाएंगे, बैट ना लगाएं। नहीं नहीं, मैं हार नहीं, यकीन करें आप मान जाएंगे, ये मैं आपसे दावा मेरा कि आप लाहौर को हमने स्कैन किया हुआ है, 6,500 टन जो है, 6,500 टन डेली कुछ छोड़ी चीज है। दो दिन कूड़ा ना उठे, पीछे कोई यहाँ पे धरने हुए थे, 3 दिन कूड़ा नहीं उठा था लाहौर की, आपने सूरत हाल देख ली। अब जब 5 दिन हुए, हमारे वर्कर्स जो है 3-4 दिन से नहीं आ रहे, क्योंकि उनका त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है क्रिसमस,
क्योंकि हमारे हर त्यौहार को हमारे ज्यादातर वर्कर्स जो है 80% के करीब वो मसीह वर्कर्स हैं जो कि सफाई के इस शोबे से मुंसलिक है। वो इस वक्त उनकी जो है वो क्रिसमस का त्यौहार था और न्यू ईयर था जिसकी वजह से वो छुट्टी पे हैं और वो 3-4 दिन वो नहीं आए, तो आपने सूरत हाल ये वो फ्राइज हैं जो इनको भी अदा करने चाहिए। बिल्कुल इनको चाहिए कि भाई ये डस्टबिन में डालें और वो डस्टबिन आके हमारा अमला के हवाले क्या कहते हैं जी आप, क्या जवाब है आपका? तभी डस्टबिन में डाल, अच्छा डस्टबिन में डाल लेते हैं। उसके अलावा आप जो 100-200 रुपए लेना है उसके अगर आपने कहा कि यार अभी नहीं सर आप वो कोई ऐसा वो गवर्नमेंट वो ये देख सकते हैं आप, ये वो फ्राइज है ये देखे इन्होंने डस्टबिन में डाला है ना या बाहर नहीं आया ना, ठीक है। तो ये चाह रहा हूँ कि तमाम शहरी अगर इसी तरह का जिम्मेदार होने का सबूत दें तो ये इनका गली मोहल्ला साफ सुथरा रह सकता है। आइए जरा ये क्या है जी, ये भी आप देखें जगह जगह कूड़े का ढेर, ये कहाँ से आया है? ये इनसे पूछे ये कहाँ से आया है? ये इनके फ्राइज है, ये कहाँ से आया है? ठीक बात है, एग्रीड है ना, एग्रीड एग्रीड। इन्होंने ये बाहर से उड़ के तो नहीं आया, बाहर भी देख सकते हैं, ये भी हाल देख सकते हैं, ये पिचकारी के दाग ये सारा कुछ, ठीक बात है, ये एग्रीड एग्री करते हैं। बाहर बाहर फेंक रहे हैं इसको, इनको चाहिए कि यार डस्टबिन को जिस जैसे उस दुकान पे आपने देखा है डस्टबिन, मैं आपको आगे अपने कंटेनर से दिखाता हूँ बिल्कुल खाली पड़े उसमें, वो देख सकते हैं ये देखो ये सुबह का काम है, ये देखो पड़ा सर ये जहाँ से भी आया है लेकिन उस वो कूड़े वाले आए साफ करने के लिए इसको 10 कदम के फासले पे कंटेनर है वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। आप आए मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखते हैं वो कहते हैं इनको क्यों नहीं उठाया गया, इनको सुबह वाली शिफ्ट उठा लेती सुबह नहीं सुबह वो उठ के आया, ये दोबारा बनाया है इन्होंने, दोबारा नहीं बनाई है दोबारा, ये पीके नहीं है कूड़ा पुराना है, कूड़ा भी अभी कूड़ा पुराना है, कूड़ा अभी अभी का कूड़ा पुराना है, फ्रेंजिक ऑर्डर ना कराना पड़ जाए, कूड़ा पुराना है उसकी शक्ल शक्ल दिखाता हूँ, शक्ल बता रही है। जब तक ये तावन नहीं करेंगे शहरी मुमकिन ही नहीं है, आप एक घर में सफाई नहीं रख सकते। ये देखें ये देखें ये कब का पड़ा जी, ये तो सुबह का पड़ा, इस पे गौर करें ये शाम का नहीं, ये 10 कदम के सिर्फ 10 कदम पे हमारे, ये कब का पड़ा है सर? ये इसको 4-5 दिन हो गए हैं, रोज ये साथ घर है, वो आंटी कहती है बेटा स्मेल आती है इसको उठवा ले, अब उनको कहते हैं ना जिनकी ड्यूटी है वो कहते हैं आने हैं जी ए परी रेडी एनु छड़ के आने हैं। आपने एक बात चीज नोट की है, ये भाईजान इतनी अच्छी तर्जमानी करते हैं, मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब की जगह खाली होते ही इमरान खान साहब ने इनको अपने पास बुला लेना, इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं? बेशक जी, तर्जमानी कैसी कर रहे हैं? मूव वेल एंड गुड सर, इनकी तर्जमानी के लिए क्लैपिंग नहीं करते आप लोग? बेशक 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 क्लैपिंग होनी चाहिए सर, बेशक मेरे साथ आए जी, आए मेरे साथ आए, आज खाली हुए हैं, वो नीचे भी कूड़ा पड़ा है उसके नीचे भी पड़ा है, वो देखें वो देखें वो देखें, आप कह रहे हैं ये सुबह का पड़ा है सारा सर, वो डस्टबिन में भरे पड़े हैं। आइए साथ आइए साथ आइए, अभी देखते हैं ना डस्टबिन भरे हैं या खाली हैं, आज वो आज तो डस्टबिन खाली है, हम देख के आए आज, मैंने आपको कूड़ा बाहर पड़ा है, मैंने आपको कहा उनका त्यौहार था क्रिसमस था न्यू ईयर थी हमारे जो ज्यादातर, आपको मैं निशान दिखाता हूँ कि जहाँ तक कूड़ा बिखरा पड़ा होता है, देखें ये अब ये कतरे जो आई हैं ये उड़ के तो नहीं आई, ये जो टेलर मास्टर है इन्होंने ये क्या इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम अपने एनफोर्समेंट विंग को स्ट्रांग कर रहे हैं, ये देखें सारी कतरे हैं ना, ये किसने उठानी है, क्या करना है इसका? इसको उठानी इसको अगर अवल तो ये चाहे एक डस्टबिन रखे, क्या हल है जी इसका, आपको कुछ समझ आता है? नहीं जी मारे सो बस से बाहर है, गवर्नमेंट फेल है जी, गवर्नमेंट फेल है, 100 दिन का प्लान, जो डस्टबिन रखे डस्टबिन वो रख सकते हैं आपने खुद, लेकिन जो तमाम काम गवर्नमेंट ने करने हैं तमाम खुद फ्राइज है, खुद फ्राइज है, एग्रीड एग्रीड 100% ये खुद प्राइस है, ये होना चाहिए। ये मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे सर, ऐसे ऐसे लोग मैंने मुशाहिदा किए हैं कि 50-50 हज़ार का मोबाइल ले लेते हैं, 50 रुपए कूड़े वाले को नहीं देते, यही तो मैं इंसाफ कार्ड फाड़ देते हैं कूड़े वाले को, ये देने चाहिए, ये बात आप तक ये कंप्लेंट पहुंची है, 200-200 रुपए देते हैं रोज उठाते हैं कूड़ा, ये बात नहीं कि नहीं उठाते, अब जो बेचारा नहीं, अब ये कतरे किसने उठानी? देखिए ये दर्जी की दुकान है और ये मास्टर जी की दुकान, मास्टर जी ये यहाँ पर इनको इनका अपना फर्ज था, ये इसको बकायदा एक शॉपर में बंद करते और सुबह जो भी आता यहाँ से हाकरोब आते है ना, सेंट्री वर्कर आते हाकरोब आ रहे हैं जी रोज सर, आज तो हमने देखा ही नहीं, बल्कि आज नहीं देखा, नहीं देखा, देखा। मीटिंग तो गए होंगे अलीम खान साहब के साथ, खाकरोपों की मीटिंग में बुलाई थी, हवा में नहीं, गलत बयानी नहीं, देखे अपनी जान अपने, आखिरी टाइम कब देखा, आखिरी टाइम कब देखा, सही बताएं ना, सही बताएं, आखिरी टाइम परसों देखा था हमने, परसों देखा, परसों देखा, रोजाना सुबह सफाई होती है, रात को डेली सफाई होती है, रात को होती है, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहसिन, लेट नाइट, क्या करते हैं आप?
एम्पोरियम में सीसीटीवी ऑफिसर। आप सो जाया करें टाइम पे प्लीज, नाइट नाइट ड्यूटी है मेरी। ठीक है, क्यों जी रात को सफाई होती है? सफाई होती है, ये तो अच्छी बात है। अगर होती है तो कौन करता है? रात को मैं सारी रात जागता हूँ जी। नहीं यार, मोहसिन भी जागते हैं, तुम भी जागते हो। कमाल है, इधर आ जाओ, इधर आओ, कमाल है। हाँ मोहसिन दसो यार, 25 दिसंबर के बाद छुट्टियां होंगी, लेकिन बेकायदा मुझे तकरीबन रात को कहाँ सफाई होती देखी? पूरे रोड पे होती। मोहसिन एक मिनट, मोहसिन आपको नींद में चलने की आदत तो नहीं? पक्की बात है, सही मामला ठीक है ना? आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। मुझे हम सारे होश में है, सलमान भाई हंस रहे हैं। सफाई होती है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। रोज होती है, कौन कहता नहीं होती? सुबह का टाइम होती है, इस वक्त कौन करेगा? रात 12 बजे इस वक्त कौन करेगा 12 बजे सफाई? रोज सफाई होती है। जब मौसम कह रहा है रात को होती है, आप कह रहे हैं सुबह की होती है। मैं अलीम खान में चले लेडीज का नाजम हूँ। ये सफाई जब से अलीम खान है तब से ना बिल्कुल बिल्कुल नीट क्लीन होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं। यहाँ पे बीवी पाक दामन दरबार। सफाई सुबह की होती है रात को? रात को दो टाइम होती है, दो टाइम होती है। सुबह कह रहे सुबह की, सुबह भी होती है। अभी आप कह रहे सुबह को होती है, रात को कौन करेगा? नहीं, ये जो कूड़ा उठाने वाले हैं ये वो। मैं कहती हूँ तेरी आंखें कलो पैदरा से मिलती हैं, वो कहती है तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। हाँ जी, रात को सफाई स्टार्ट होती है, सुबह तक होती है। सुबह अलीम खान के दौर में नहीं, शहबाज शरीफ साहब के दौर से स्टार्ट है काम। ये क्रेडिट किसी को नहीं है, लेकिन कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है। हाँ जी, नहीं नहीं, शहबाज शरीफ के दौर में सफाई का निजाम बेहतर था, इसमें बिल्कुल। ये दरबार बीबी बाग दामन है, यहाँ पे बेशुमार जायरीन आते हैं। कूड़ा 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 इधर होता ही नहीं। ये मेरे बड़े भाई हैं, नहीं सगे वाले मेरे मौसी ने, मेरे बड़े भाई हैं ये, नहीं समझे? हाँ। इतना का गंद है, जब से आप मोहल्ले में चले पीछे कट रही है। ठीक है, आपको एक लेडीज खुद बताएंगी कि मैं अपने हाथ से कूड़ा फेंक के आया हूँ। मैं अपने हाथ से कूड़ा फेंक उनसे पूछा जरा, वो सफाई नहीं होती इन साइड। उनको हम खुद पे करते हैं 100-150-150 डेली के, फिर सफाई अंदर डेली के। हाँ जी, जब करवानी है अंदर उठाते हैं तो नहीं उठाते हैं 100-150 पैसों की खवातीन बताएंगी, मोहल्ले की खवातीन आपको बताएंगी। होता ही नहीं कभी ऐसा, ये इसको हो रहा है। मैं हलफ देता हूँ, आपने दिया कभी? कब दिया? 50 दफा पैसे दो तो फिर कूड़ा उठाते हैं। सब 30 दफा दिए नहीं होता। सफाई का निजाम बहुत अच्छा है, सफाई का निजाम बहुत अच्छा है। चेयरमैन साहब, क्या हालात हैं? हालात ठीक है, क्या हुआ? क्या कूड़ा कड़ा प्रॉपर लेके जा रहे हैं? डेली सब कुछ जबरदस्त उठाया, मामला ठीक है, ठीक चल रहा है। अमनो अच्छी की लहरें बह रही हैं, सब ओके अल्हम्दुलिल्लाह, मसला नहीं। मलिक साहब ड्यूटी दें तो, मलिक साहब आउटर स्टेशन है तो यहाँ कोई काम नहीं होता। अक्सर होता है मलिक साहब होता है, आप खींच देते हैं उनको, ये लोग खींचते नहीं है। बात बना के आप खींचते हैं, आप सुबह 5 बजे आते हैं, मैं अक्सर आपको देखता हूँ। आप उसका शोक मर्दे मोमन मर्दे अकल भी आता है, आपकी बात है, मर्दे मोमन की बात कर, अच्छी बात है, सच बोल रहे समझे। मैं जो आप पूछता हूँ, सफाई डेली नहीं होती? एक मिनट, सफाई जल्दी रोज होती है? अल्हम्दुलिल्लाह डेली होती है। हाँ जी, सफाई के बाद कूड़ा नहीं उठाया जाता। मैं बताता हूँ, अब बराक वालों के पास एक टाइम उठाते हैं, पहले सुबह टाइम उठाते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद फिर उठाते हैं, दो टाइम गाड़ियाँ आती हैं। अब ये तो नहीं है कि उठाया ही नहीं बिल्कुल जाता, ये तो बाद कूड़ा पिया रहता है, भावे 5 घंटे बाद चुकया जावे, 20 घंटे बाद चुकया जावे, वो दोबारा बेचारा फिर इंजन रुलता है। ठीक है, सफाई स्टार्ट रात को डेली होती है, ये रात को। हाँ जी, रात को आते हैं ना वो पे, रात को सफाई करते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। कोई आप इसको सुबह 4 बजे आते हैं? सुबह 4 बजे रात को आते हैं सर, सुबह तक वो डबल शिफ्ट यहाँ पे चल रही है, सिंगल भी नहीं चल रही, डबल शिफ्ट चल रही है दरबार की वजह से, समझ आई? लाखों जायरीन आते हैं दरबार में, लाखों आते हैं, यहाँ पे शिफ्ट भी डबल चलती है। हाँ भाई, आले बोला, जवाब दे। दे रहे हैं जी, सफाई होती है, कूड़ा नहीं उठाया जाता। एक बात करूँ मैं आपसे, ये सामने घर है, उधर गटर बंद होते हैं, वो पानी ऊपर आता है ना, तो उनको तंगी होती है घर वालों को। ये उनको कोई गाड़ी और उनके दफ्तर जाते हैं, 10 चक्कर लगवाते हैं, कहते हैं आज अभी आती है गाड़ी, आती है गाड़ी में पानी को। चेयरमैन साहब ठीक कह रहे हैं आपके? हाँ जी, बताते नहीं है सफाई, हमने चेयरमैन को देख के आप सारे मलाई बोटी हो गए, बताते नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बताए जी। चेयरमैन साहब बता नहीं है कि ये जो जब खुद हो
तो काम हो जाता है। तो ये चले जाते हैं, अदरवाइज ये आउटर स्टेशन है। कहाँ जाते हैं? आउटर स्टेशन में चले जाते हैं। कहाँ? तीन चार दिन नहीं आते। कहाँ जाते हैं जर्मन साहब? ये इनका घर बाहर है। शादियां दिनों और कीतियां हुई हैं साहब, ध्यान करे हो मामला। कितने जाते हो भाई? हाँ भाई, चेयरमैन साहब अलीम खान साहब जहाँ होते हैं, चेयरमैन साहब हमारे वहाँ पे होते हैं जी। साथ साथ पहले इंटरेस्ट था, पहले काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, मगर अब वो इंटरेस्ट नहीं है। इनका जरा लाहौर लेवल पे सियासत कर रहे हैं। इनका हमारे सर पे आता ना तब काम हो रहे थे। अच्छा, मुझे अब समझ आई कि लोकल लेवल से निकलकर चेयरमैन आफाकी हो गया। ये कहना चाह रहे हैं, ये मामला था। चेयरमैन साहब मजबूर होते जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं जब आप यहाँ नहीं होते, जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता, कूड़ा नहीं उठाया जाता, जब आप खींचते हैं लोग आ जाते हैं। मैं मेरी बात सुने, सुबह 6 बजे मैं आता हूँ। पता तो नहीं था आपने आना है आज, आप रात का कूड़ा रह गया है। अगर कूड़ा हो तो बाजार में कूड़ा पड़ा हो, देरियां लगी हो, कूड़ा उठाया जाता है। हाँ भाई, चलो आयो वेख लेने पिया होना। पिया वा, मैं देखे पे है ना कूड़ा। असि कहने झाड़ू पेंद बजद। हाँ जी, मैं सुबह 6 बजे यहाँ पे आता हूँ, 10 बजे यहाँ से जाता हूँ। आए कूड़े पे चलते हैं, देख लेते हैं। आए चेयरमैन साहब, आए मेरे साथ, तर्जमान साहब भी साथ हैं। आए आए मेरे साथ, आए सारे, आए सारे, आए भाई जान, आप भी आए। कंटेनर दिखाता हूँ मैं आपको, अभी कंटेनर देखे। इस टाइम तो होगा, ये टाइम तो नहीं है। नहीं ना, कंटेनर खाली है, लिफ्ट हुआ है तो खाली है ना। ये देखे ना, ये सड़क साफ है इस वक्त। ये आपका पता नहीं था आपने आना है आज। और बात का इजाफा करता हूँ, ये पीछे हमारे कौंसलर साहब फोत हो गए थे, उनके उनकी वार्ड का ये देखें इस टाइम तो होगा। ये कब का पड़ा है? कब का पड़ा है? तो रात कब का पड़ा है? ये तो 12 का बाबू जी, और मेनू भी दसो कब का पड़ा है? रात 6 बजे आप पड़ा कब का? ये निजाम देखें सीवरेज का। ओए होए होए होए, ये देखें, तो सीवरेज का निजाम बड़ा खराब है। देखें उधर नजर आएगा 6 बजे, सीवरेज का निजाम खराब। सीवरेज का निजाम ये घर वालों का है, आप किसी इनको कहेंगे ये नहीं पाइप डालेंगे, क्या करें? घर उतार के ले जाएं, क्या करें? उनको बताएं इनका पाइप डालें, इनका पाइप डालें, अपना पाइप डालें, वो घर वाले। ये तो ऐसा है कि अभी 21 दिसंबर को वार्ड नंबर 4 का इलेक्शन हुआ है, और नून लीग का जो लड़का यहाँ से कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसे 600 वोट पड़े हैं, और बल्कि पीटीआई के जो उसके मध्य मुकाबले थे उसने 128 वोट कास्ट हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें क्या हुआ है। ये काम अगर होते तो वोट लोग डालते इनको, ठीक है ना? कह रहे हैं लोकल वोट नहीं मिलती, नहीं मिल रही जी, काम ठीक नहीं कर रहे, नहीं हो रहे जी, बिल्कुल ठीक नहीं हो। जी चेयरमैन साहब, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। चेयरमैन साहब, अगला इलेक्शन भी आना है, ये आप ये मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछे कि मैं अपना टाइम देता हूँ पूरा कि नहीं। चेयरमैन साहब, काम करता हूँ कि नहीं करता? सफाई हो, ये देखें आप, ठीक बात है, सफाई हर तरफ होनी चाहिए, ये बात ठीक है, सफाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। होती है, दो टाइम होती है यहाँ पे, यार सफाई हो रही है यहाँ पे, यहाँ दरबार की वजह से हो ही नहीं सकती, कुताही यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप घर में भी अगर आप सफाई मेंटेन ना रखें ना, तो घर में भी गंदा हो जाता बार बार। तो इस घर को आप सबसे दरखास्त है, इस घर को, इस गली मोहल्ले को, इस रोड को अपने घर की तरह समझें और इसे साफ सुथरा रखें। कभी इतना साफ होता ही नहीं था, जब से अलीम खान है तब से ये रोड साफ आ गया जी। ये कूड़ा क्यों पड़ा हुआ है? ये कूड़ा क्यों पड़ा है? ये क्यों पड़ा है पूछे जी? कहाँ गए अले मोहल्ला जी सारे? खाली है कि नहीं? हाँ जी, सलमान साहब, ये बाहर क्यों पड़ा है? अब ये शहरियों का फर्ज है कि ये कंटेनर पड़ा है इसमें डालें, ये पूरा खाली है। आधा ये देखे, ये इधर ये भी दिखाता हूँ आपको, ये देखे नहीं, ये उसका तो नहीं कुछ हो सकता। ये देखे ये अब सुबह आएगी गाड़ी, उसको उठा लेगी, ये रखे और ये कंटेनर रखे। इसलिए आपको पहले भी बताया था कि आज कुछ आज। हाँ जी, कूड़े का क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो खाली है इनमें डालना चाहिए था, डालना चाहिए था। जो फेंके चेयरमैन ने उठा के फेंकना है। कितने फेंके? शहरियों का भी उतना ही हक है जितना सैनिटेशन का काम है, उतना हमारा भी फर्ज है। अब मौजूदा जो सीनियर वजीर है अलीम खान साहब, इस बारे में पेन ले रहे हैं, वो रोज हर रोज मीटिंग और बहुत ज्यादा उस पे ले रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं उनके साथ होता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। प्राइवेट कैमरा मैन रखे हुए, वो रोज देते हैं वहाँ से, रोज रखे हुए हैं, जो तस्वीरें उठा
उतार के हमें भेजते हैं, हम आगे कहते हैं बुराक की गाड़ियों में पेट्रोल डालें वो लखोडेर पहुंचा दिया करें, वो कैमरे वालों पे पैसे ना खर्च करें, वो हम पे ड्यूटी छोड़ दे, मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया जी आपका। लाहौर सारे को साफ होना चाहिए, चूंकि सफाई निस्फ ईमान है और आपके रख रखाव की अलामत है। फहद शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।